हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चर्चा का विषय है 69वें फिल्म पेयर पुरस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरस्कार से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं कि इससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, वो मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो वो वार्मी फेल को मिला। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन जो है फ्रेम होगा वो इस तरह से होगा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो उसमें एक ऑप्शन होगा वार्मी फेल, उसी ऑप्शन को हमें चुनना है या उसी ऑप्शन को हमें टिक करना है। अब आते हैं 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो विभु विनोद चोपड़ा को मिला, और किस पिक्चर के लिए मिला? वार्मी फेल के लिए मिला। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम होगा, तो 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, उसमें एक ऑप्शन विधु विनोद चोपड़ा होगा, तो वो हमारा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणवीर कपूर को मिला, और किस पिक्चर के लिए मिला? एनिमल के लिए मिला। यहां पर क्वेश्चन जो है वो दो तरह से भी फ्रेम हो सकता है। किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो उसमें जो है एक ऑप्शन रणवीर कपूर का जरूर होगा, तो हमें रणवीर कपूर के उत्तर को चुन लेना है। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है कि 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए मिला? अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि रणवीर कपूर को मिला, और किस पिक्चर के लिए मिला? तो वो एनिमल के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को मिला, और किस पिक्चर के लिए मिला? तो वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।